अब तेजस्वी यादव को हर हाल में जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो चार्ज सीटेड आदमी है, तो चार्ज सीटेड आदमी जेल से बाहर की जिंदगी कितना दिन जिएगा उसे तो हर हालत में सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। अब तेजस्वी यादव के जेल से बाहर रहने का समय बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और उसे जेल के चारी दीवारी में अपना समय बिताना ही पड़ेगा। और एक बार फिर सुनिए, अब तेजस्वी यादव को हर हाल में जेल जाना ही पड़ेगा। ये बात केंद्रीय मंत्री और आरा के सांसद आरके सिंह जैसे ही कहते हैं उसके बाद इस बात की चर्चा होने लगती है, क्योंकि ये बात जिस व्यक्ति ने कहा वो केंद्रीय मंत्री है। और केंद्रीय मंत्री अगर तेजस्वी यादव के लिए ये कहते हो कि अब तेजस्वी यादव को तो हर हालत में जेल जाना पड़ेगा तो इस बात की चर्चा तो होगी ही होगी। जैसे ये बयान केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का आता है उसके बाद बिहार में और देश में इस बात की चर्चा होने लगती है कि क्या सच में तेजस्वी यादव को अब जेल जाना पड़ेगा और सच में जेल जाना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद यह साफ तौर पर दर्शित हो जाता है कि बीजेपी ने एक बड़ा षड्यंत्र जो रचा है, और जिस बात की जानकारी आरके सिंह को थी शायद उनके कथन अनुसार अंदर ही अंदर जो खेल चल रहा है उस खेल का पर्दाफाश उन्होंने किया। और क्या सच में बीजेपी अपने जाल में तेजस्वी यादव को फंसा लेगी? इस तरह का बयान आरके सिंह इसलिए देते हैं कि पिछले दिनों सीबीआई ने नए चार्जशीट दायर किया था और नए चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ दिया था। तब से इस बात की चर्चा होने लगी कि अब तेजस्वी यादव का बचना मुश्किल ही नहीं काफी नामुमकिन है, क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर जब चार्जशीट दायर किया गया तब हो सकता है कि तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़े। चूंकि यह पूरा मामला जो है लैंड फॉर जॉब जिसे तमाम लोग जानते हैं कि जमीन दीजिए और नौकरी लीजिए मामले से जुड़ा हुआ है, उस नए चार्जशीट में तेजस्वी यादव के नाम को भी सीबीआई ने जोड़ लिया था। तब से इस बात की चर्चा हो ही रही थी। तब तक आरके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री और आरा के सांसद भी हैं उनका यह बयान आता है, और ये बयान जिन जिन लोगों ने सुना, जिन जिन लोगों ने इस बयान के बारे में जाना, वे लोग अब ये कहने लगे कि सच में बीजेपी ने अंदर ही अंदर जो षड्यंत्र रचा है, जो खेल खेला है, शायद उस प्लेइंग कार्ड में अब तेजस्वी यादव फंसेंगे और तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ेगा। बाकी तो जांच का विषय है आगे क्या कुछ इस मामले में होता है। क्या सच में बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ेगा? इस मामले में जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव को लेकर के तरह तरह की चर्चा तो चल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक बड़ा षड्यंत्र रच रही है, उसमें तेजस्वी यादव को फंसाएगी और जेल भेजेगी। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है और कुछ भी कर भी सकती है। बाकी मुझे लगा कि ये खबर आपको बताना चाहिए था कि आरके सिंह इस तरह का बयान दिए हैं। बाकी ये पूरा वीडियो देख के आपका जो भी विचार होगा बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।